दोस्तों आज हमारे साथ है आशीष कुमार जी। ये झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हैं। पिछले 5 साल से इनको आईबीएस की प्रॉब्लम थी। जब ही आए थे तब इनको सिम्टम्स थे कि कॉन्स्टिपेशन था इनको, और नाभि खिसकी हुई थी और पेट टाइट था, यानी कि इनको नले भी पड़े हुए थे। और जो इनको एक खास प्रॉब्लम थी जो सभी आईबीएस पेशेंट को नहीं होती है, कि एलर्जी वाली प्रॉब्लम। इनको फेस में बहुत ज़्यादा खुजली होती रहती थी और पूरे बॉडी में भी इनको कभी कभी खुजली जो है होने लगती थी। इस तरह के इनके सिम्टम्स थे, ठीक है। अभी इनके जितने भी हमने आपको सिम्टम बताए, सारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है। बट हम अभी इनसे जानेंगे कि इनको जब शुरुआत हुआ तो कैसे हुआ, क्या क्या लक्षण आते थे, और एलर्जी कैसे हो गई, और कौन कौन सी दवाई इन्होंने कराई है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आशीष जी, आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया और क्या क्या चीज आपने झेला, मतलब आपको क्या क्या लक्षण आते थे वो बताइए। सर, मेरा तो प्रॉब्लम चालू हुआ 2018 से सर। उस समय हमको बुखार चला, बुखार लगने के बाद ऐसा बुखार लगा कि बेड से उठना मुश्किल हो गया। ये बुखार रहा लगभग 10 से 15 दिन। तो उसके बाद फिर सही हो गया। सही होने के बाद खाना पीना खा रहे हैं तो थोड़ा जाना लैट्रिन करने जाना पड़ रहा है। तो हमको लगा कि हो सकता है कि बुखार ज़्यादा रहा तो इसके वजह से शरीर कमजोर हो गया, तो हो सकता है इसके वजह से। इसको ज़्यादा हम सीरियस लिए नहीं, उसको छोड़ दिए। फिर ऐसा ही रहा, सही रहा, 10 से 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, देख रहे यही कि यही प्रॉब्लम है। फिर हम डॉक्टर के पास हम तो उनसे इस तरह का समस्या बताया, तो वो चेक किए तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा हाथ में सूजन आ गया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दवा देंगे सही हो जाएगा। दवा लिए, 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, फिर सही नहीं हुआ। प्रॉब्लम वही को ही रह गया, कुछ सही नहीं हुआ। फिर जाके मिले हम, वो ये बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। दवा फिर लिए, फिर वही वही समस्या रहा। फिर हम छोड़ दिए, दवा लिए नहीं, हम सोचे कि थोड़ा मोड़ा होकर प्रॉब्लम अपने सही हो जाएगा। तो इसके बाद 5 से 7 महीने हम छोड़ दिए, फिर प्रॉब्लम वही रहा। तो घर वाला भी बोले कि शरीर भी थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, कुछ दिखाओ। तो एक थोड़ा डॉक्टर के पास दिखाया, तो वो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोले, तो वो भी कराए, तो वो भी यही बताया कि थोड़ा कुछ नहीं है, आते में सूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी दवा दिए तो 2-4-10 दिन तक सही रहा। उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम चालू हो गया। फिर सोचे कि तो सबको बता रहे आत्मसूजन है और सही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा परेशान होने लगे हम कि समस्या शरीर का है, पेट सही नहीं रहेगा तो शरीर मेरा फिर कहाँ से बन पाएगा। इसके वजह से शरीर का वेट भी गिरना चालू हो गया, अच्छा से दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद सोचे कि थोड़ा मोड़ा, घर वाले बोले कि थोड़ा नाभि दिखवा दो, शायद हो सकता है कि पेट का प्रॉब्लम है, तो ये भी होता है। तो दिखवा तो बोले कि नहीं बाबू, तुम्हारा नाभि जो है खिसका हुआ है। तो सही करा तो फिर सही लगने लगा। तो सोचे कि फिर सोचे कि मेरा प्रॉब्लम इसी से था, अब सॉल्व हो गया इसका समस्या। तो फिर 2-4 दिन तक सही रहा, फिर वही हाल। फिर उनके पास दौड़ के गए, उनके बाद फिर बोले कि देखिए ना, मेरा फिर से समस्या चालू हो गया। फिर सही किए तो फिर 2-4 दिन 1 महीना सही रहता, फिर वही हाल। ऐसे करते 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 फिर मेरा वेट ज़्यादा लॉस हो गया, ज़्यादा गिर गया। मतलब अपने आप से हमको तकलीफ होने लगा कि मेरा पहले शरीर क्या था, अब शरीर क्या हो गया। अपने आप से मतलब बहुत खराब लगने लगा कि क्या थे और क्या हो गए। इसके बाद सर का वीडियो देखे, 20 या 21 में देखे लगभग। उस समय सर का वीडियो देखे इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आया तो अच्छा लगने लगा। फिर सोचे कि यहाँ पे जाएंगे, मेरा इलाज प्रॉपर यहाँ पे जाने पर सही हो जाएगा। अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला। फिर इसी बीच में मेरा प्रॉब्लम हो गया एलर्जी का। शरीर में तो थोड़ा बहुत होता था, लेकिन फेस में पूरा रूखापन होने लगा, थोड़ा फुंसन होने लगा, खुजलाहट बहुत ज़्यादा होता था, खुजलाहट। फिर हम दिखाए, एक चर्म रोग है, एक डॉक्टर उनके पास दिखाए, तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, दवा वा देंगे सही हो जाएगा। दवा दिए, क्रीम दिए, टैबलेट दिए, बहुत सारा दिए, फेस वॉश दिए लगाने के लिए, धोने के लिए, बहुत सारा सब कुछ किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर हम ये सोच रहे हैं कि मेरा सही क्यों नहीं हुआ, तो शायद हमको लगा, फिर सोचें कि पेट से कुछ प्रॉब्लम है तो इसी से मेरा हो रहा है। इसलिए जब ये प्रॉब्लम होने लगा तो फिर हमको कॉन्स्टिपेशन में होने लगा। हम सोचे कि पहले तो लूज मोशन होता था, बार बार जाना पड़ता था, अभी कौन सा समस्या हो गया। ये खाना खा रहे हैं, फिर फ्रेश होने जा रहा है तो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है,
और स्टूल भी थोड़ा हार्ड आता था, तो थोड़ा और लगने लगा। तो फिर सोचे कि नहीं, अब सर के पास जाना पड़ेगा, और सर के पास काम निकाल के आए हम, और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। जो मेरा पहले का एनर्जी था, जो मतलब लगता था कि हाँ, जो मेरा पहले का ताकत था, एनर्जी लग रहा है, उस तरह का मतलब लग रहा है कि हाँ, अब बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है, इस तरह का लग रहा है। इनकी जो नाभि है वो भी अभी सेंटर में रह रही है। इनका पेट जो टाइट हो गया था, यानी जो नले इनको पड़े थे वो भी इनका निकल गया है। कॉन्स्टिपेशन इनका अच्छा हो गया है। एलर्जी अभी इन्होंने बताया कि इनको फेस पे कहीं खुजली नहीं हो रही है। लीक जगह खुजली, हम जो लीवर सॉरी जब एलर्जी सॉरी आईबीएस का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर गॉल ब्लैडर और लीवर, ये दोनों को हम ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, समझ गए। और जो एलर्जी का कारण होता है हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर, तो उसको अगर हमने ठीक कर दिया, ये खुजली और चर्म रोग की समस्या जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अगर किसी को चर्म रोग भी है तो भी अगर न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट कराएगा तो 100% उसका इलाज हो जाएगा। दूसरा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि भाई किसी को आईबीएस है, खाया पिया लगता नहीं है, तो धीरे धीरे इनके लीवर में या गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, तो भी जो है एलर्जी की समस्या हो सकती है, और वही समस्या इनके साथ हुई थी। तो और कुछ आप यहाँ रहे खाए पिए, आपको कुछ 19-20 लगा या कैसा है यहाँ पे आपको? सर पहले तो आपकी और आपकी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। सबको लगे हुए हैं अच्छा करने के लिए, तन मन से लगे हैं सर, ताकि सबको यहाँ पे जो भी लोग आते हैं बहुत परेशान घबराए हुए आते हैं कि मेरा सही होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर लोग 90-95% सही होके ही जाते हैं। और सर यहाँ से रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेल फीमेल सबका इलाज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग रहने का व्यवस्था है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। इस तरह का सर यहाँ पे आकर बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है, इनको हमने सिर्फ 22-23 दिन ही ट्रीटमेंट दिया है और ज़बरदस्त इनको रिजल्ट आया है, ठीक है। और अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, खाली पॉजिटिव रहना बाबू, समझ गए। पॉजिटिव रहोगे, धीरज रखोगे, 100% आप ठीक होके जाओगे। जितना ज़्यादा घबराए हुए रहोगे, बेचैन रहोगे, तो उसमें रिजल्ट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, घबराना नहीं है, आपके ट्रीटमेंट कराएंगे, 100% समस्या का समाधान होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप सर? और तो कुछ कहना चाहेंगे, जिनको भी प्रॉब्लम है यहाँ आए पेट से संबंधित, 100% तो नहीं, मतलब 90-95% सही होके ही जाएंगे, अगर पेट का समस्या हो तब। अब 100% तो कौन ठीक कर? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आके 2-4 दिन में 5 दिन में जो लोग भाग जाते हैं। एक चीज को समझिए जीवन में, एक चीज को मानना कि जब आपकी किस्मत साथ देगी, जब आपके अच्छे दिन आने वाले होंगे, तभी आपको सही इलाज भी मिलता है। जी, जैसे कि मैं 4.5-5 साल तक झेला, बाद में न्यूरोथेरेपी मिला। जी, कि भाई मुझे लगा मेरे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, मुझे अंदर से लगा कि यार बहुत से चीज़ें करा ली हमने, सब कुछ करा लिया, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेदिक चूर्ण एक्यूप्रेशर सारे चीज करा लिए, कुछ नहीं हुआ। तो ये कौन सी चीज़ है? एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, रिपीट कर करके देखा, फिर जाके हमने अपना न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट कराया, ठीक हुआ धीरे धीरे। उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार बड़े बड़े डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते हैं इसमें, और मैं इतनी जबरदस्त चीज़ है जिसमें हाथ दबाने से, पैर दबाने से आपके अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, हाथों की सूजन ठीक हो सकती है, नाभि सेट हो सकती है, हमारे आईबीएस की प्रॉब्लम सही हो सकती है, तो इसको सीखना चाहिए। मैंने सीखा, डिप्लोमा किया, धीरे धीरे सेंटर खोला, और आज ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों का मैं इलाज कर पा रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी कृपा ऊपर वाले की है कि मैं आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दे पा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।